केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। यूपी के सीएम योगी देहरादून में सेंट्रल रीजनल काउंसिलिंग की 24वीं बैठक में होंगे शामिल। 2000 रुपए नोट बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर तक बढ़ी थी, आज आखिरी दिन। दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने के लिए आज से शुरू करेगी अभियान। मोनू मनेसर को आज राजस्थान से मनेसर लाएगी हरियाणा पुलिस। लखनऊ में आज कांग्रेस में शामिल होंगे इमरान मसूद। हेमा उपाध्याय और वकील की हत्या के लिए चिंतन उपाध्याय दोषी, आज सुनाई जाएगी सजा। एशियन गेम्स में भारत को कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य, अदिति स्वामी ने जीता पदक। एशियन गेम्स की आर्चरी में ज्योति सुरेखा वेन्नाम ने जीता गोल्ड मेडल। हरियाणा के सोनीपत में पश्चिमी यमुना लिंक नहर टूटी, कई सौ एकड़ फसल हुई जलमग्न। एशियन गेम्स कंपाउंड आर्चरी में भारत को एक और गोल्ड, ओजस को मिला स्वर्ण पदक। एशियन गेम्स में महिला कबड्डी टीम ने जीता गोल्ड मेडल, भारत के 100 पदक हुए पूरे। एशियन गेम्स में भारत का धमाकेदार प्रदर्शन, पीएम मोदी और ओम बिरला ने खिलाड़ियों को दी बधाई। बिहार के सारण में शराबियों की धरपकड़ के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने की एक शख्स की पिटाई, हुई मौत। सिक्किम में तबाही का सैलाब, अब तक 56 लोगों के मौत की पुष्टि। दिल्ली शराब नीति में आप सांसद संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी की ईडी के सामने आज होगी पेशी। महाराष्ट्र विधायकों की अयोग्यता का मामला, एनसीपी एमएलए जयंत पाटिल भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को भेजा नोटिस, प्लेटफॉर्म से हटाने होंगे बाल यौन शोषण के कंटेंट। एमपी के शहडोल में 10 अक्टूबर को राहुल गांधी करेंगे कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का समापन। आगरा के व्यापारी की हाईकोर्ट में अर्जी, कहा बांके बिहारी कॉरिडोर बनाएं, भक्त मिलकर दे देंगे 510 करोड़।